ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ଗଣ୍ଡରୱାଲ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲତାଲ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବମ୍ ବମ୍ ଭୋଲେ ଜୟ ବାବା ବର୍ଫାନୀ ହର ହର ମହାଦେବ ଧ୍ୱନିରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ରେ 4600 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ 125 ଲଙ୍ଗର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 350,000 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 6000 ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ରୁଟ୍ରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅମରନାଥ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାର ପେହଲଗାମ୍ ରୁଟ୍ 48 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଣ୍ଡରବାଲ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲତାଲ ରୁଟ୍ ମାତ୍ର 14 କିଲୋମିଟର। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इधर आई हूँ। मैंने बहुत अच्छी अच्छी एक्सपीरियंस की है चीज़ें, यहाँ का व्यू, यहाँ का नेचर, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, और क्या बोलूँ, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है बस। और गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है, लोकल्स भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आना चाहिए, सबको आना चाहिए यहाँ पे एक बारी। हर किसी के दर्शन करने चाहिए, भोलेनाथ के दर्शन करने चाहिए बस। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। सबसे पहले तो मैं रांची से आया हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले तो जम्मू एंड कश्मीर सरकार को बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है और यहाँ के लोकल प्रशासन का, लोकल पुलिस और लोकल जितने भी यहाँ के बासिंदे हैं, उन्होंने बहुत सेवा की है। अच्छा टेंट, अच्छा खान पान, लंगर की व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत आनंद आ रहा है। जैसे अमृत बरस रहा है बाबा के पास जाने का, मतलब बेहद सुखद अनुभव हो रहा है, मन गदगद है एकदम। और सबसे यही विनती है कि जरूर एक बार अमरनाथ यात्रा करें। हमें बहुत इच्छा है बाबा जी की, बहुत प्यार से बुलाते हैं, बहुत अच्छे से जाते हैं और हमें बहुत उत्साह होती है। बाबा जी दरबार खुलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। व्यवस्था की बात करें, व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था मिलती है हमारे को, बहुत अच्छी मिलती है। हर भंडारे में व्यवस्था अच्छी मिल रही है, साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी मिल रही है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी सरकार ने। हम मनोकामना जो भी लेके जाते हैं हमारी पूरा करते हैं बाबा जी। बेचैनी तो सबको रहती है, इतनी मुश्किलों से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए तो बेचैनी तो रहेगी। लेकिन बस अब ये है कि जल्दी से पहुँचे और दर्शन हो जाए बाबा जी। व्यवस्था की बात करें, व्यवस्था किस प्रकार की है? बहुत बहुत बढ़िया है, अभी तो फर्स्ट है, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहता भी है और है भी बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो मन में कौन सी मनोकामना लेके जा रहे हैं आप? मनोकामनाएं तो बहुत है, फिर गुप्त रहती है कुछ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।